हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो मैंने आपको निफ्टी में बताया था कि थोड़ा गैप रेजिस्टेंस है 10,830-850 के आसपास लास्ट वीडियो में, और मैंने आपको बोला भी था थोड़ा बहुत वेट एंड वॉच करना है, कॉशियस रहना है। आज अगर आपने देखा हो, थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपनिंग हुआ, 10,658 तक का लो बनाया, उसके बाद वापस हमें एक रिकवरी देखने को मिली। वो इसलिए रिकवरी हमें देखने को मिली क्योंकि आज बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्मेंस किया है निफ्टी से। आज अगर आप बैंक निफ्टी देखो तो ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दे दिया है, 22,500 के ऊपर ब्रेकआउट था एंड 22,600 के आसपास जाके आया हाई, और 22,500 के ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो यहाँ से अब मुझे लगता है बैंक निफ्टी में यहाँ से 23,500 तक के लेवल्स हमें इजीली देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से 1,500 पॉइंट का एक रैली हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में मुझे लगता है एक बार यहाँ से 11,000 तक के टारगेट्स हमें दिखा सकता है। तो दोनों ही इंडेक्स में आपको बाय इंडेक्स की स्ट्रैटेजी अपनानी है, 11,000 के टारगेट के लिए निफ्टी में एंड 23,500 एंड 24,000 के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बजाज ऑटो सेल दिया था, मॉर्निंग में मैं थोड़ा पर्सनल काम के कारण बिजी था तो इसलिए मैं आपको लेवल्स नहीं दे पाया था टेलीग्राम चैनल में। कल से आपको वापस लेवल मिलना चालू हो जाएगा। बजाज ऑटो मैंने आपको सेल दिया था लास्ट वीडियो में, इसमें काफ़ी अच्छा इंट्राडे में पैसा बना, 2,900 के आसपास मैंने आपको सेल दिया था। आप वीडियो देख सकते हो कौन से लेवल पे सेल दिया था मैंने, और डीवीस लैब मैंने सेल दिया था, इसमें करीबन 10-15 रुपये ट्रेड फेवर में गया, उसके बाद वापस रिकवर हुआ है। तो इसमें एक कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस के आसपास एसएल था, ट्रेल एसएल, थोड़ा बहुत माइनर प्रॉफिट मिला कॉस्ट के, थोड़ा सा ट्रेल एसएल में करता हूँ तो ट्रेल एसएल मेरा ट्रिगर हुआ। और टाटा मोटर मैंने आपको बाय दिया था 110 के अबव, और इसमें 112.60 तक जाके आया, ऑलमोस्ट 2.5 रुपये प्लस इसमें हुआ। तो इसमें भी एक इंट्राडे में काफ़ी अच्छा पैसा बना, टाटा मोटर और बजाज ऑटो ये दोनों में पैसा बना, और डीवी स्लैब में ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड था डीवी स्लैब में। अब डिस्कस करते हैं कल के सेशन में कौन से स्टॉक पे ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहला स्टॉक होगा बीएल। बीएल मुझे थोड़ा वीक लग रहा है, अगर आप देखो तो एक काफ़ी वन साइडेड रैली हो चुकी है। ये गैप रेजिस्टेंस है, गैप रेजिस्टेंस के पास में आप देख सकते हो ये गैप भी पूरा फिलअप किया है इसने, और स्टॉक अगर आप देखो तो इस स्टॉक ने रैली एकदम वन साइडेड किया है, तो ऑब्वियसली एक रिट्रेसमेंट यहाँ तक बनता है। तो पॉसिबल है यहाँ से एक 3-4 रुपये का फॉल हमें देखने को मिल सकता है एज अ रिट्रेसमेंट फॉल। कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक होगा डीएलएफ। डीएलएफ में मुझे थोड़ा स्ट्रक्चर खराब लग रहा है, अगर आप डीएलएफ स्ट्रक्चर देखो, ये एक रैली हमें देखने को मिली थी, ये एक फॉल हुआ और यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ है। अब मुझे लगता है अगर ये वापस टूटता है तो वापस हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है, एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा है। तो कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। एंड लास्ट स्टॉक होगा वोल्टास। वोल्टास मुझे यहाँ से थोड़ा सा बाय लग रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जरूर है 580-590 के आसपास, लेकिन मुझे लगता है यहाँ से एक बार 7-8 रुपये का आप हमें और देखने को मिल सकता है। वोल्टास हम ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे के लिए कल के सेशन में, कौन से लेवल पर बाय करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। अगर आपको वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जरूर बताना है आपने कौन से स्टॉक में ट्रेड किया, क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।